नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बारामूला से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए टेरर फंडिंग के मामले को लेकर किस तरह से एक बड़ा अभियान तेज कर दिया गया है। टेरर फंडिंग मामले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अभियान यहाँ पर तेज हो गया है, और पूरी तरह आप देखिए बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ जिले के अंदर एसआईए ने छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया है। बारामूला में दो, कुपवाड़ा में तीन और पंच में एक ही जगह पर यहां किस तरह से कार्रवाई की गई है, ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला बारामूला से देखने को मिल रही है, जहां पर बारामूला में दो, कुपवाड़ा में तीन और पंच में एक ही जगह पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त आप देखिए एसआईए किस तरह से यहाँ पर सक्रिय मोड में नजर आ रही है। टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए एक एक करके यहाँ पर तलाशी अभियान किए जा रहे हैं। छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रख दिया गया है, और उसके साथ ही आप देखिए जिन लोगों के तार इस पूरे मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी कई तरह से गिरफ्तारियां भी पहले की गई है। लेकिन अब आप देखिए टेरर फंडिंग के मामले को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से एसआईए जो है वो सक्रिय मोड में आ गई है और पूरी तरह काम जो है वो अपना जारी रखे हुए है। क्योंकि बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ जिले की बात करें तो यहाँ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर आज छापेमारी यहां पर की गई है। साफ तस्वीरों में भी आप देखेंगे किस तरह से आप देखिए छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रख दिया गया है। बारामूला में दो और साथ ही साथ कुपवाड़ा में तीन जगहों पर छापेमारी की गई है, और पुंछ में एक जगह में यहाँ पर छापेमारी यहाँ की गई है। लेकिन किन किन लोगों के तार यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे, इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि बारामूला से इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है, और पूरी तरह से पहले आपको ये भी बताते चले कि कल शाम से ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए काम जो है वो किया गया है। सीबीआई की तरफ से भी यहां पूरी सक्रियता जो है वो दिखाई जा रही है। ईडी भी पूरी तरह से सक्रिय मोड में नजर आ रही है, और उसी के साथ साथ अगर हम स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रख दिया गया है। क्योंकि बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ के अंदर पूरी तरह से छापेमारी की जा रही है। इरशाद भट्ट बारामूला से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे बारामूला में कहां कहां पर यह छापेमारी हुई है और किस तरह से पूरा काम किया जा रहा है एसआईए की तरफ से। बिल्कुल आशा, अगर हम जिले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहां पे आज एसआईए की तरफ से जो यहाँ पे कार्रवाई अमल पे लाई गई, क्योंकि ये पता चलता है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनको ये पता चला क्योंकि यहाँ पे टेरर फंडिंग के साथ साथ जो मिलिटेंसी जो फंड्स है उसमें ये कुछ लोग जो है मुलव्वस है। हालांकि उसके बाद जो है इनके घरों पे जो है छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज जो है बरामद किए गए और कुछ मोबाइल फोन के साथ साथ चेक्स भी जो है यहाँ पे रिकवर किए गए। फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अगर हम जिले बारामूला के साथ साथ चाहे हम कुपवाड़ा की बात करें या रफियाबाद, रखपुरा की बात करें, इसके साथ साथ राजौरी, पुंछ की बात करें, वहां पे जो है ये कार्रवाइयां जो है अमल में लाई गई। फिलहाल जो है किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, और ये कहा जाता है सूत्र के मुताबिक कुछ इनके घरों पे जो है जब छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ मोबाइल फोन के साथ कुछ चेकबुक और इसके साथ मजीद जो है कवर किया। टेरर फंडिंग का मामला बताया जा रहा है इरशाद, क्या लगता है कि किन किन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, अभी किसी का नाम जो है सामने नहीं आया। ये बताया जाता है टेरर फंडिंग के साथ साथ जो एलओसी ट्रेड यहाँ पे चलता था उसमें ये मुलव्वस पाए गए। फिलहाल जो है एसआई की तरफ से जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। कई दिनों से जो है एनआई की तरफ से या एसआई की तरफ से या इसके साथ साथ एसीबी की तरफ से जो है छापा कार्रवाई जो है वो लगातार जो है जारी है जिले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में। पिछले दफा आपको याद होगा यहाँ पे एसीबी की जानिब से जो छापामार कार्रवाई के दौरान जो है एडब्ल्यू के साथ साथ जेई को जो है अपने हिरासत में लिया है, उसके बाद जो है तहसील ऑफिस बारामूला में जो है एक ऑर्डरली जो एम्प्लॉय है और इसके साथ साथ दूसरा जो वहां पे एम्प्लॉय था उसको गिरफ्तार किया गया और कुछ जो है दस्तावेज भी बरामद किए गए। और हालांकि ये पता जाता है उन्होंने वहां पे जो है रिश्वत तलब की। और इसके साथ साथ देखा जाए और एक मामला जो है दो दिन पहले जो है सामने आया। इसके साथ साथ ये जो कार्रवाई है ये लगातार जो है इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में भ्रष्टाचार पर नकेल और दूसरी तरफ टेरर फंडिंग का मामला भी अगर सामने आ रहा है तो उस पर भी कहीं ना कहीं गाज गिर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे।
जो बता रहे हैं कि किस तरह से बारामूला के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, लेकिन फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन दस्तावेज जुटाए गए हैं, मोबाइल फोन यहां पर अपने साथ वो लोग लेकर गए हैं और उसके बाद ही पूरी गुत्थी को यहां पर सुलझाया जाएगा और कौन कौन से नाम सामने आएंगे ये समय आपको बताएगा। आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त आप देखिए बड़ी खबर जो है वो बुद्दल इलाके से भी सामने आ रही है, जहां पर बुद्दल के शाहपुर गांव में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चला दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से देखने को मिल रही है। जिला पुंछ के साथ साथ यहां पर आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से काम जो है वो बीडीसी सदस्य की आवाज पर मंगलवार रात को यहां हुआ है, क्योंकि पथराव वहां पर कर लिया गया और बीडीसी ने गोलाबारी करने के साथ साथ किस तरह से अपना बड़ा दावा यहां पेश किया है वो भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्दल के शाहपुर गांव में सुरक्षा बल अब यहां सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और बीडीसी सदस्य के आवास पर मंगलवार रात को यहां पथराव हुआ था और बीडीसी ने गोलाबारी किए जाने के बाद भी यहां किस तरह से दावा सामने रखा है ये बड़ी बात है। इस वक्त आप देखिए पथराव किन हालतों में यहां पर हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, इस पर जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से वहां पर ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि बीडीसी सदस्य के आवास पर मंगलवार रात को पथराव हुआ था और गोलाबारी करने यहां किए जाने का भी दावा जो है वो पेश किया जा रहा है कि यहां जो गोलाबारी है वो भी की जा सकती थी, लेकिन उससे पहले आप देखिए पथराव यहां पर किस तरह से हुआ है, दावा भी किया जा रहा है गोलाबारी को लेकर, लेकिन कितनी सच्चाई है किस तरह से पूरी जानकारी है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बुद्दल के शाहपुर गांव की यहां पर आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है कि आखिर कौन ये संदिग्ध लोग थे जो यहां पहुंचे हैं और इसके आवास पर पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। महज आप देखिए संदिग्ध अगर कोई यहां पहुंचता है तो किस तरह से पहुंचा है, आखिर कौन लोग हैं जो पथराव किए हुए हैं और पथराव करने की घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है, तो आपको दिखाना बहुत जरूरी था कि बुद्दल के शाहपुर गांव में सुरक्षा बलों ने किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है और सर्च ऑपरेशन चलाकर पूरे इलाके को यहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है और चप्पे चप्पे की तलाशी यहां पर की जा रही है कि आखिर किस तरह से पथराव की घटना को अंजाम दिया है और बीडीसी के जो सदस्य हैं उन्होंने गोलाबारी करने का भी पूरी तरह दावा जो है वो सामने रखा है कि गोलाबारी भी की गई है यहां पर। और साथ ही आपको ये बताते चले कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त यहां पर लगातार जारी है। अब ताजा जानकारी क्या कुछ है, जमशेद मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया। जमशेद सबसे पहले तो आपसे ताजा जानकारी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन इस इलाके में पूरी तरह चल रहा है, क्योंकि देर रात का ये मामला सामने आया था। एक सुभाष चंद्र नामी एक शख्स है जिसके घर पे पिछले दो दिन से नामालूम अपराध की तरफ से पथराव किया जा रहा था। देर रात को फिर एक बार ये पथराव का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें सुभाष चंद्र नामी एक शख्स जख्मी हुआ और उसके बाद इसने अपनी बीडीसी गन के पास फायर करना ओपन हवा में फायर करने शुरू किए। 6 से 7 फायर इसने अपनी गन से किए और उसके बाद इसने ये क्लेम किया कि उस पर भी फायरिंग की गई है सामने से, जिसके बाद फौरन मौके पर आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंची और पूरे इलाके में रात से घेरे में लिया गया। सुबह से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि वही इलाका है गुरुजी जहां 1-2 महीना पहले भी एक ग्रेनेड थ्रू हुआ था, जब एक शादी की तकरीब खत्म होने के बाद जो टेंट हाउस की गाड़ी सामान ले जा रही थी उस पर ग्रेनेड दागा गया था, जिसके बाद उस मामले को हल कर लिया पुलिस ने, जिसमें बुद्दल से ताल्लुक रहने वाले मिलिटेंट को हिरासत में लिया गया था, तालिब शाह जिसका नाम था, जिसके साथ और भी लोगों को। ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बुद्दल शहर की अब खबर सामने आ रही है, कोई सीसीटीवी कैमरा वहां पर है आसपास कहीं, उस फुटेज को खंगालने की कोशिश की है कि आखिर कौन संदिग्ध लोग हैं और किस तरह से पथराव वहां पर हो रहा है? गुरु जी सीसीटीवी कैमरा होना वहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, घना जंगल है, आबादी ज्यादा इतनी इस इलाके में नहीं है, दूर दूर घर हैं इस इलाके में, क्योंकि ये बहुत दूर दराज इलाका है शाहपुर इलाका जो हम बता रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो ये इलाके पहले मिलिटेंसी में आज से 10-15 साल पहले बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहे ये मिलिटेंसी के कारण, अब हालात बेहतर हुए थे मगर पिछले कुछ महीने से दोबारा हालात यहाँ खराब जरूर हुए, मगर उन मामले तमाम सभी मामलों को पुलिस ने हल कर दिया था और तालिब शाह को हिरासत में ले लिया गया था, मगर देर रात को ये मामला दोबारा सामने आया कि बीडीसी मेंबर के घर में पथराव हुआ और उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है जमशेद की अपनी सक्रियता तो यहाँ पर दर्शाने के लिए, अपनी मौजूदगी को दर्शाने के लिए इस तरह से कार्यवाही की जा रही है? बिल्कुल गुरु जी, इस एंगल को भी पुलिस देखेगी जरूर, क्योंकि पथराव जिस तरह हो रहा है इसमें ये भी कह सकते हैं कि कोई लोकल भी हो सकते हैं या कोई और भी लोग भी हो सकते हैं, कोई पर्सनल रंजिश, वो भी पुलिस उस एंगल से भी इसको देख रही है, पूरा इलाका छान रही है पुलिस, क्योंकि रात से इस इलाके को घेरे में ले लिया गया था, क्योंकि इसकी तरफ से ये क्लेम किया गया था कि आगे से इस पर दोबारा फायरिंग की गई है, जिसके बाद ये सारा मामला काफी गर्म हुआ और इस वक्त बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुरु जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए।
तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पथराव का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है। इससे पहले एक ग्रेनेड की घटना सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने उसे सुलझाया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरी गुत्थी को किस तरह से सुलझाती है। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से चलाया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से आतंकी अपनी मौजूदगी यहां पर जाहिर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसी रंजिश तो नहीं है। लेकिन इस पर पूरी तरह आप देखिए, अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सर्च किया जा रहा है, और समय जब सामने आएगा तो उसके बाद ही पूरी गुत्थी जो है वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान ने अब जोर पकड़ लिया है, और इस वक्त की बड़ी अपडेट, 13 से 15 अगस्त तक होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी यहां मुकम्मल तरीके से पूरी कर ली गई है। जम्मू से आपको अपडेट दिखा रहे हैं। ग्रामीण हलकों में तिरंगे यहां तैयार करने में सैकड़ों महिलाएं भी जुटी हुई हैं, और लोगों को जागरूक करने में भाजपा की प्रदेश इकाई भी जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है कि पूरी तरह से आप देखिए कि करोड़ों की आबादी के जो लोग हैं यहां, उनके घर के अंदर ये तिरंगा फहराया जाना चाहिए, घर में तिरंगा होना चाहिए। हर घर तिरंगा का एक अभियान जो है वो भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान ने अब जोर पकड़ लिया है, और 13 से 15 अगस्त तक होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर ली गई है, और ग्रामीण हलकों में तिरंगे तैयार करने में सैकड़ों महिलाएं जुटी हुई हैं, और लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई पूरी तरह से काम कर रही है। साफ तस्वीरों में आप देखिए महिलाएं किस तरह से बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आज दिल्ली के अंदर भी सांसदों की तरफ से रैली निकाली गई है, तिरंगा रैली वहां पर निकाली गई, लेकिन जम्मू के अंदर भी हर घर तिरंगा को लेकर किस तरह से अभियान तेज कर दिया गया है, और जम्मू में भी आज आप देखिए तिरंगा रैली की शक्ल में ही किस तरह से काम यहां पर किया जा रहा है, और इस अभियान ने पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। महिलाएं पूरी तरह इसमें काम करती हुई भाग देती हुई नजर आ रही हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है ताकि 13 से 15 अगस्त तक हर घर के अंदर तिरंगा पहुंचे और वहां पर ये तिरंगा फहराया जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान पूरी तरह से आप देखिए तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी को अपनी जो देशभक्ति है वो किस तरह से आप देखिए दिखाई जा रही है। जितने भी लोग देश के अंदर रहते हैं वो देशभक्त हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बीड़ा उठाया है, और आज तिरंगा को लेकर किस तरह से कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, तिरंगा लहराते हुए यहां पर भाजपा के लोगों को देखा गया है, और 13 से 15 अगस्त तक होने वाले कार्यक्रमों में भी तैयारियां जो होनी है उसमें मुकम्मल तरीके से आप देखिए शिरकत करने की तो कोशिश है ही, लेकिन तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। तो ग्रामीण हलकों के अंदर महिलाएं भी इस पूरे अभियान में जुटी हुई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि समय जिस तरह से कम होता जा रहा है उसी तरह से अभियान तेज हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जोरों शोरों से तैयारियां जो है वो हर तरफ हमें देखने को मिली है। सरकार जो है वो तिरंगों के साथ सज चुके हैं, और हर एक घर में तिरंगा पहुंचाने को लेके तैयारियां जो है वो भी सुचारू रूप से की जा रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से तिरंगा पहुंचाया जाएगा, किसे किसे ड्यूटी दी जाएगी, वो सब चीजों का जो एक मैप है वो भी तैयार कर दिया गया है। शहरों में किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा, और कुछ ऐसे स्टॉल भी लगाए जाएंगे जहाँ पे तिरंगा 20 रुपए प्रति तिरंगा के हिसाब से आपको देना होगा, क्योंकि ये रेट फिक्स किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ऐसे में जो भी वीर जवान है उनके घरों की पहचान की जाएगी, और उनके घरों पे जो पुलिस बैंड है वो भी बजाया जाएगा। और काफी एक सम्मानजनक बात है कि हर एक घर जो है वो तिरंगे से जो लहराता हुआ है इस बार 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक लगातार दिखेगा। लेकिन इस बीच में यहाँ पर आप देखिए, देखने वाली बात यह है कि ग्रामीण महिलाएं भी यहाँ पर जुटी हुई है। ग्रामीणों की जितनी भी महिलाएं हैं वो पूरी तरह से तिरंगे बनाती हुई देखी गई है। जी बिल्कुल, तिरंगों को हर एक घर पहुंचाना, यहाँ पे आबादी काफी ज्यादा है, इसीलिए इसी कार्य में निपुण जो लोग हैं वो पूरे तरीके से, क्या स्त्रियों क्या पुरुष हर कोई जो है ये तिरंगे बनाने के कार्य में जो लोग माहिर है वो कार्य को पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस मुहिम को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से तिरंगे जो है वो यहाँ पे मिल सके, और किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो इस मुहिम में ना आए। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से तिरंगा अभियान जो है वो घर तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और उसके साथ साथ ही आप देखिए कि किस तरह से तिरंगा अभियान अब तेजी पकड़ता जा रहा है,
और अब आगे बढ़ जाएंगे जिला सांबा आपको लिए चलेंगे। जिला सांबा से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात जो हैं वो बने हुए हैं और मुकम्मल तरीके से जिला सांबा में युवक पर कातिलाना हमले करने के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और जिले के रामगढ़ इलाके में युवक पर ये जानलेवा हमला हुआ था और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सांबा में युवक पर कातिलाना हमला होता है और हमले के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिले के रामगढ़ इलाके में युवक पर ये जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने यहां पर अंजाम दिया है, क्योंकि जिस तरह से अपराध लगातार जिला सांबा के अंदर बढ़ता जा रहा था, उस पर अब कहीं ना कहीं नकेल कसती हुई सांबा पुलिस नजर आ रही है। इससे पहले चोरियों की घटनाएं और स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही थी, पशु तस्करी के मामले सामने आए हैं और साथ ही साथ आप देखिए अब यहाँ पर जानलेवा हमले भी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर सक्रिय मोड़ में सांबा पुलिस को देखा गया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी कार्रवाई जो सांबा पुलिस यहां पर करती हुई नजर आ रही है और सांबा में युवक पर कातिलाना हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के रामगढ़ इलाके में युवक पर ये जानलेवा हमला हुआ और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 2 अभी फरार हैं, लेकिन जो फरार हैं उनके लिए भी अभियान पूरी तरह से पुलिस ने यहां पर छेड़ दिया है। लेकिन इस वक्त आप देखिए जो लोग पकड़े गए हैं उनसे किस तरह से पूछताछ हो रही है, क्योंकि जानलेवा हमला किया गया था युवक पर और उसके बाद रामगढ़ इलाके में ये हमला होता है और पूरी तरह सक्रिय मोड में पुलिस जो है वो अब नजर आ रही है। एकदम से यहां पर अपराधों पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि आप देखिए लगातार अपराध जो है वो जिला सांबा के अंदर बढ़ता जा रहा था, चाहे वो चोरी की घटना हो, स्नैचिंग की घटना हो, पशु तस्करी के मामले हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देखिए पुलिस जो है वो सक्रिय मोड में नजर आ रही है। जानलेवा हमला होता है लेकिन कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे क्या पूछताछ हुई है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि 4 से 5 दिन पहले रामगढ़ सेक्टर में ये जानलेवा हमले का मामला जो है सामने आया था। 26 वर्षीय युवक पर ये जानलेवा हमला किया गया था कुछ अज्ञात लोगों द्वारा, और अज्ञात हम इसलिए कह रहे हैं कि उस समय इन आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही थी और ये कहा गया था कि 4 से 5 लोग हो सकते हैं। उसके बाद पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, और जिसमें बताते चले कि ये 3 आरोपी जो है ये अभी तक पकड़ लिए गए हैं जो पुलिस की हिरासत में है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन शुरुआती दौर में ये हमें पता चल पाया था कि रामगढ़ सेक्टर के शहजादपुर इलाके में जब ये पूरा जानलेवा हमला किया गया था, तो उसके बाद कड़ियां जो वो अलग अलग जुड़ना शुरू हुई। ये भी कहा गया कि ये आपसी रंजिश का मामला है और आपसी रंजिश का मामला भी बताया गया। उसके बाद कई अलग अलग एंगल्स भी इसमें जोड़े गए और जिस तरह से पुलिस लगातार इन तमाम आरोपियों की तलाश कर रही थी, 3 आरोपी पकड़े गए जिनमें अलग अलग धाराएं लगाकर जो वो मामला दर्ज किया गया है। आम एक्ट के तहत भी ये मामला दर्ज किया गया है और 1 से 2 आरोपी की तलाश लगातार जारी है और वो भी लगता है कि जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। जो कुछ देर पहले हमारी पुलिस अधिकारी से भी बातचीत इस पूरे मसले पर हुई है। वही आपको बता दें कि 2 जो आरोपी भी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। एक बाइक भी रिकवर की गई है इनके पास से और ये 3 आरोपियों ने कन्फेस कर लिया, मान लिया कि हमने ही ये जानलेवा हमला किया है। लेकिन हमला क्यों किया गया, कुछ वजह? देखिए, आपसी रंजिश का मामला बताया गया था और आपसी रंजिश के मसले को देखते हुए पुलिस दोनों अगर एंड पर बात करें यानी जो एक्यूज पर्सन है उनकी भी लगातार इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया था अब जो जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल से वापिस आ जाता है, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी और क्या कुछ चीजें सामने आएगी ये भी देखना होगा। फिलहाल ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला ये ऑलमोस्ट सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 5 आरोपी बताए जा रहे हैं कि इसमें शामिल है हमला करने के लिए, 3 पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है, वो भी खुलासा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कि जो फिलहाल 2 आरोपी फरार हैं वो कहाँ किस इलाके में छुपे हुए हैं। तो उम्मीद है कि एक आध दिन में या हो सकता है कि आज ही इसमें भी एक बड़ी डेवलपमेंट दोबारा से देखने को मिली, जिस तरह से ये डेवलपमेंट हुई है 3 आरोपी पकड़े गए हैं और पुलिस जिस तरह से सक्रिय नजर आ रही है, अगर इसी तरह से सक्रिय मोड पर रहती है तो कहीं ना कहीं अपराधों पर रोक लगेगी। बिल्कुल, ये जो क्राइम की वारदातें जिला सांबा में बढ़ती जा रही हैं और अगर एक आम व्यक्ति की बात करें तो एक आम व्यक्ति को मारना काफी ज्यादा आसान इस तरह के शरारती तत्वों के लिए हो गया, यानी डर नाम की चीज रही नहीं है, पुलिस का डर इनको है नहीं और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को भी ये खराब करते हैं। और जब पुलिस इसमें बड़े स्तर पर इंटरवीन करती है तो कई सारे क्लू सामने आते हैं, कई सारे प्रूफ हाथ में लगते हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इसके बाद इनको सजा भी होती है, लेकिन आखिर कब तक?
क्योंकि हालात जो सांबा जिला में इस समय बने हुए हैं, क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा सांबा जिला में बढ़ गया है, चाहे वो आपसी रंजिशों का मामला हो या और कोई कारण हो सकते हैं, या नशे का कारण है, मोबाइल स्मगलिंग का कारण है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सांबा जिला में इस समय काफी एक बड़े लेवल पर देखी जा रही है। और सांबा का माहौल ऐसा लग रहा है कि शरारती तत्व पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस को बड़े स्तर पर इंटरवेंशन करना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और पुलिस को सक्रियता दिखाने की जरूरत है, जिस तरह से पुलिस यहाँ पर काम कर रही है इस पर गौर फरमाने की भी जरूरत है। लेकिन आपको ये बताते चले कि पुलिस ने इस बार यहाँ सक्रियता दिखाते हुए युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, दो फिलहाल फरार चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई है। आगे बढ़ जाएंगे, और सुरनकोट में हाल ही में बारिश और बाढ़ से हुई भारी तबाही से पीड़ित लोगों ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पिछले 3 दिनों से वो खाने और पीने के जो पानी है उनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे डीडीसी सदस्य सुरनकोट शाहनवाज चौधरी ने आरोप लगाया है कि यूटी सरकार एक और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाल बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन वही पिछले 3 दिनों से सुरनकोट के लोगों को रोजी रोटी, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर पानी के लिए भी वो लोग तरस रहे हैं, यानी रोटी और पानी दोनों के लिए वो तरस रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार पीड़ित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा नहीं करती, तब तक धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। चलिए अब आपको हीरानगर लिए चलेंगे, और हीरानगर से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए हाईवे के हवाले से बड़ी खबर है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य ने पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का काम यहां पर हीरानगर में जारी है, और मात्र 6 घंटों में यहाँ सिमटेगा दिल्ली से कटरा का सफर यहाँ पर होने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र 6 घंटों में आप दिल्ली से कटरा पहुंच सकते हैं, यानी पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से आपका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, किलोमीटर में काफी कमी आ जाएगी, और 6 घंटों में ही ये सिमट जाएगा दिल्ली और कटरा का सफर। और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो निर्माण कार्य ने पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना का काम हीरानगर में अब जारी हो चुका है, और मात्र 6 घंटों में आप दिल्ली से कटरा पहुंच सकते हैं और वहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं पर्यटक स्थलों का। लेकिन उस बीच में यहां पर किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है वो आपके सामने, तेजी अब इस कार्य के अंदर ला दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो निर्माण कार्य यहां पर शुरू हुआ था, जिसने अब तेजी पकड़ ली है, और मुकम्मल तरीके से ये कब तक यहां पर खत्म होगा काम ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको ये बताते चले कि 35,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है जिसे यहां शुरू किया गया है, और हीरानगर में इस काम ने तेजी पकड़ ली है, और 6 घंटों का जो सफर है वो मात्र आप देखिए किस तरह से होने वाला है, क्योंकि अगर आप दिल्ली से निकलते हैं तो 6 घंटों में कटरा पहुंच सकते हैं, और उसके बाद एक ही दिन में आपकी वापसी भी हो सकती है। लेकिन इस बीच में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की बात करें, जिस तरह से अधर में भी ये पहले काम यहां पर लटकाया गया था, इससे पहले भी कई बार अगर कोई काम शुरू किया जाता है तो उसे अधर में ही छोड़ दिया जाता है और बहुत समय के बाद वो पूरा होता है, लेकिन इस बार काफी तेजी जो है वो देखी जा रही है। निर्माण कंपनी ने जो काम यहां पर शुरू किया है उसने जोर पकड़ लिया है, हीरानगर में ये काम जारी रख दिया गया है। राजीव मेहता हीरानगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाह रहे हैं जिस तरह से आप देखिए हाईवे का काम यहां पर शुरू हो गया है, किस तरह से निर्माण कंपनी वहां पर काम कर रही है। आज मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत ये जो जम्मू अमृतसर कटरा हाईवे का जो निर्माण कार्य है, यहाँ मेरे पीछे आप देख लीजिए किस तरह से मशीनें मैदान को समतल, सड़क का निर्माण करने के लिए मैदान बना रही हैं, और जमीन को समतल करने का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेस वे जो बनने जा रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर के 234 जिलों के, जम्मू सांबा कठुआ और रियासी के 4 जिलों के 230 गांवों की जो जमीन है जो इस वहां से होके गुजरेगा। तो अभी जो कठुआ जिले का ये हीरानगर इलाका है, यहाँ पे अब ये इसका काम पिछले 3-4 दिन से बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, तो ये अगले साल ये दिसंबर तक इसको कंप्लीट होना है। इस हाईवे के जो एक्सप्रेस हाईवे का इसका फायदा खासकर लोगों को इतना ज्यादा होगा जो जो इतनी दूरी है जो कटरा से दिल्ली की,
जो मात्र 6 घंटे की रह जाएगी। जो श्रद्धालु है, जो माता वैष्णो देवी के और पंजाब के पूरे देश के जाने वाले, ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? क्या समय सीमा के अनुसार इसे पूरा कर लिया जाएगा? बिल्कुल, निर्माण कंपनी वालों से हमारी बात जब हुई तो उन्होंने बताया कि अभी बरसात की वजह से काम थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन जो तय सीमा दी गई है दिसंबर 2023 के लिए, उस समय तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। जो लोगों के मुआवजे को लेकर बात हो रही थी राजीव, क्या वो लोगों को मिल गया है अभी तक? कई जगहों पे मुआवजा जो है वो उसको बांटने का काम जो है रेवेन्यू विभाग युद्ध स्तर पर कर रहा है। कई जगह पे अभी इसके लिए कैंपिंग की जा रही है, पर जो सरकारी जमीन है या कस्टोडियन लैंड है उस पर जो है कंपनी, निर्माण कंपनी ने अपना काम जोरों से शुरू कर दिया है। जी अच्छा, चलिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चले कि पूरी तरह से आप देखिए नगर के अंदर किस तरह से निर्माण कंपनी जो है वो काम कर रही है और जोर इस कंपनी ने काम को लेकर पकड़ लिया है, और आप देखिए तय समय जो दिया गया है उसमें इस काम को मुकम्मल करने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।